Now the second part of the question is parallel combination of cells. अभी तक हमने इससे पहले वीडियो में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स किया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. ठीक है बेटा, अब एक बात इधर सुनिए. अगर ये सेल वन है, सेल में आप लोगों को मैंने बताया एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है बेटा, इसका ईएमएफ है ई और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर. ठीक, तो इसको बोलेंगे बेटा सेल नंबर वन. ये सेल वन है. ठीक है बेटा, सेल वन. अब इधर सुनिए, ये मान लीजिए ये है, यहां पर मैं एक और सेल बना दूंगा ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, और ये रखेंगे इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, और दिस इज सेल नंबर टू, और ये इसका भी ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसका ये हो गया सी टू. तो अब मैं क्या कर लूंगा, यहां पर डैश डैश बनाएंगे और इधर एक और सेल लगाएंगे. ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आर. ये जो सेल है इसका भी ईएमएफ ई है. डॉटेड का मतलब है मैंने नंबर ऑफ सेल्स यूज की. इसके बीच में ये सेल नंबर एन है. इधर देखो, अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल हर किसी सेल का एक पॉइंट पर कनेक्ट करता हूं, एक पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से. इधर देखो, इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड एट वन पॉइंट, अगर पॉजिटिव टर्मिनल हर किसी सेल का एक पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड एट अदर पॉइंट, इधर सुनिए, इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड एट वन पॉइंट एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड एट अदर पॉइंट, देन सच कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. अगर हर किसी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पर जोड़ दोगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल आर कनेक्टेड एट अदर पॉइंट, then such combination we called as parallel combination of cells. ये first cell है, ये second cell है, second cell और nth cell के बीच में number of cells आएगी, इसलिए मैंने dotted line डाल दी. इसका मतलब है यहां पर C3, C4, C5, C6, CN तक जाएगी, और इसी combination को हम जोड़ देंगे बेटा with external resistance capital R. ऐसे करेंगे एक्सटर्नल. सबको पता है करंट विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ऐसे चलेगी करंट. ठीक है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाएंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया एक सेल, एक रेजिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव, और ये बन गया बेटा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है बेटा, इसको जोड़ देंगे विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, मगर ये बन गई सी इक्विवेलेंट. अभी इफेक्टिव ईएमएफ भी नहीं भर पाएंगे और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं भर पाएंगे, वो निकालनी है तब यहां पर लिख सकते हैं.
अभी फिलहाल कुछ नहीं लिख पाएंगे आप। तो ये कॉम्बिनेशन हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। अब सबसे पहला, आप सबको पता है कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है, जैसे एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, वोल्टेज रहता है रेजिस्टेंसों में सेम, आर वन, आर टू, आर थ्री, वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, वी, इसमें भी वी, इसमें भी वी, इसमें भी वी, ठीक। लेकिन रेजिस्टेंस रहती है वन अपॉन आर, इक्वलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन सो आर, ऐसे। लेकिन इफ वोल्टेज रहती है सेम, ये नोट करना। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ ऑल द सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, शाबाश, पैरेलल में होता है, याद रखना, वोल्टेज सेम होती है, जितनी इसमें इतनी उसमें इतनी इसमें, इफेक्टिव ईएमएफ सब में सेम रहेगा, डेट इज इक्वल टू कैपिटल ई, ऐड नहीं होगा, जितना एक सेल का ईएमएफ है उतना ही पैरेलल में सब में रहता, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जिस तरीके से हम यहां पर बताएंगे, अगर वोल्टेज मैंने वी लगाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसमें भी वी ही रहेगी, इसमें भी वी ही रहेगी, इसमें भी वी ही रहेगी, इसका मतलब हो गया इफेक्टिव वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहेगी, इसलिए रही इफेक्टिव ईएमएफ हो गया ई। इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ ऑल द सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल्स इज इक्वल टू ई, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, शाबाश। अब मुझे बता दीजिए इफेक्टिव और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस शाबाश, सब सेल्स का होता है रेसिप्रोकल, हो गया वन अपॉन आर इसका प्लस वन अपॉन आर इसका प्लस डैश डैश अप टू एन टर्म्स, ठीक है बेटा। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, एन टाइम्स वन अपॉन आर, एन टाइम्स वन अपॉन आर आई इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गई आर इफेक्टिव, क्या हो गई आर इफेक्टिव, नहीं ये हो गई वन अपॉन आर इफेक्टिव, हो गया वन अपॉन आर इफेक्टिव, रेसिप्रोकल होता है, वन अपॉन आर इफेक्टिव होता है एन अपॉन आर, इसलिए आर इफेक्टिव रेसिप्रोकल कर दीजिए, आर इफेक्टिव इज इक्वल टू आर अपॉन एन, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है बेटा। देखो फिर से बता रहा हूं, इनका रेसिप्रोकल क्यों लिया हमने, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है सेल्स, इनकी वोल्टेज एक ही क्यों रखी, क्योंकि इफेक्टिव ईएमएफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, दैट इज ई। तो आर इफेक्टिव एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, इसलिए टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गई आर प्लस आर इफेक्टिव कितना है बेटा, आर प्लस आर अपॉन एन, ये हो गई टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। दोनों चीजें आ गई हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, दोनों चीजें आ गई, इफेक्टिव ईएमएफ भी आ गया, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी आ गई,
तो करंट निकालेंगे. देयरफॉर करंट इज इक्वल टू इफेक्टिव ईएमएफ पहले क्वेश्चन में भी हमने किया, इफेक्टिव ईएमएफ अपॉन टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. शाबाश. इफेक्टिव ईएमएफ कितना है बेटा, कैपिटल ई अपॉन टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर प्लस आर अपॉन एन. ठीक, फॉर्मूला बना दीजिए. शाबाश बेटा, फॉर्मूला बनाओ. ये हो गया. आप लोग ऐसे भी रख सकते हो या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो. आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन ये एन आर प्लस आर, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो चाहे आप लोग ऐसे रखो चाहे ऐसे रख दीजिए, आपकी मर्जी है. तो इस पर हमें अब निकालने हैं स्पेशल केसेस और फिर बताना है कौन सा केस यूजफुल है कौन सा केस यूजलेस है. यह है अब जो हमें आगे क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा आप लोगों को भी, स्पेशल केस फर्स्ट और स्पेशल केस सेकंड. इधर देख लीजिए. नाउ ये तो हमें मिटाना पड़ेगा, सिर्फ ये इक्वेशन चाहिए हमें. केस फर्स्ट, इधर देख लीजिए बेटा. केस फर्स्ट, इफ आर इज फार फार ग्रेटर देन आर अपॉन एन, इफ आर इज फार फार ग्रेटर देन आर अपॉन एन, देन आर प्लस आर अपॉन एन is approximately equal to R. अगर capital R जो है external resistance is far far greater than the total effective internal resistance, तो ये है. ठीक है, effective internal resistance तो ये है. effective internal resistance कितनी आई थी, यहां पर लिखना था आप लोगों को, यहां पर इक्विवेलेंट सर्किट में इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आई थी, आर अपॉन एन, ये लिख रहा था. और टोटल ईएमएफ कितना आया, इसका भी ई, एन टाइम्स ई नहीं, ई. और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आई थी, आर अपॉन एन, ये यहां पर लिखना है सर्किट. ये कैसे आया ये मैंने पूरा समझाया है. अच्छा, if r is far far greater than r upon n, then r plus r upon n is approximately equal to r. equation fourth becomes, agar ye equation fourth hai, kya banegi, equation fourth becomes, shabash beta, equation fourth becomes kya banega, I will equal to E upon R, क्योंकि R plus R upon N can be neglected. ये हो गई I is equal to E upon R का मतलब हो गया current due to single cell. Current due to single cell. अगर मैंने N number of cells parallel में बांध दी और external resistance को ज्यादा रखा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स के साथ, मुझे एन नंबर ऑफ सेल्स के बजाय करंट मिल रही है एक सेल की वजह से, इसलिए दिस केस इज यूजलेस. सीरीज में पहला केस यूजफुल था, लेकिन पैरेलल कंबिनेशन में पहला केस ही यूजलेस है, क्योंकि मैंने पांच सेल्स अगर पैरेलल में जोड़ दी, मुझे एक सेल की वजह से करंट मिल रही है. मतलब क्या है, उसका कोई मतलब नहीं. तो अब मैं केस सेकंड देखता हूं. केस सेकंड क्या होगा, इफ आर इज
far far less than r upon n. अगर जो कैपिटल R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज फार फार लेस देन R अपॉन N, देन बेटा R प्लस R अपॉन N इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R अपॉन N. तब तो कैपिटल R नेग्लेक्ट हो गए क्योंकि यही बहुत छोटा है. इक्वेशन फोर्थ बिकम्स, शाबाश बेटा बता दीजिए, I will become I is equal to E upon R, तो neglect होगा R upon N, इसको अब मिटाना पड़ेगा. N तो ऊपर जाएगा, I is equal to N times E upon R हो गया. I is equal to N times current, E upon R का मतलब है करंट ड्यू टू सिंगल सेल, करंट ड्यू टू सिंगल सेल. इसका मतलब हो गया बेटा अगर मैं पांच सेल्स यूज कर रहा हूं, पांच सेल्स की करंट मुझे मिल रही है तो ठीक है. इसका मतलब है इस केस में दिस केस इज यूजफुल. इसका मतलब हो गया अगर मुझे इन ऑर्डर टू ड्रॉ, कंक्लूजन है ये, इन ऑर्डर टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से अगर मुझे मैक्सिमम करंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्या करना चाहिए मुझे, ये वाला केस की ये वाला केस, केस सेकंड करना चाहिए. क्या है केस सेकंड? द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इट शुड बी फार फार लेस देन द टोटल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस. ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल्स की है इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस से बहुत ही कम होनी चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब जाके आप लोग मैक्सिमम करंट ड्रा कर सकते हो. किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में. पैरेलल कॉम्बिनेशन में केस सेकंड यूज फुल और केस फर्स्ट यूज लेस. सीरीज कॉम्बिनेशन में केस फर्स्ट यूजफुल और केस सेकंड यूज लेस. याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. इसी ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स याद रखे बेटा. ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे.